बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, जिंदाबाद। लिल्ला जंबाज में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन काम, जिस तरह के आपको मालूम है, मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी शदीद लहर आई हुई है। इस हवाले से हमने आज पंजाब पुलिस के साथ मिलकर हेल्प डेस्क रजिस्टर के ज़ेर एहतमाम और टीम सरेआम लिल्ला और लिल्ला जंबाज, ये तीन इदारों की तरफ से आज हम लिल्ला चौक में आगाही मुहिम चला रहे हैं मास्क के हवाले से, कोरोना वायरस के हिफाजती तदाबीर के हवाले से, और पंजाब पुलिस हमारे साथ है। अभी हम निकलने लगे हैं, चले जी। आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इन हिदायात पर अमल जरूरी है। गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से बाहर हरगिज ना निकले। अपने हाथ, मुंह और नाक को साफ रखें। खांसते या छींकते वक्त किसी कपड़े या टिश्यू का इस्तेमाल करें और उसके बाद उसे कूड़े या कचरा दान में फेंक दें। लोगों से मिलने से इज्तनाब करें और ऐसी कोई भी जगह जहां ज्यादा लोग मौजूद हों वहां जाने से गुरेज करें, और अगर किसी सूरत में वहां जाना पड़े तो तमाम लोगों से कम से कोरोना के इलाज से बेहतर है कि हम सब एहतियात के जरिए कोरोना को शिकस्त दें। और एहतियात करने में जो चीजें शामिल हैं उनमें सबसे पहली चीज ये कि एक दूसरे से फासला रखें, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें, और अगर कोई मजबूरी हो भी तो एक शख्स से दूसरे शख्स का फासला कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। अपने हाथ बार बार धोइए, और हाथ धोने का मतलब यह है कि कम से कम 20 सेकंड तक आपने अपने हाथों को धोना है। सो एहतियात कीजिए जितना मुमकिन हो। हम सबको कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से काम। हमने लिल्ला चौक में मास्क लोगों में तकसीम किए हैं, आगाही चलाई है कोरोना वायरस के मुतालिक, क्योंकि कोरोना वायरस की मुल्क भर में तीसरी शदीद लहर आई हुई है। पंजाब पुलिस ने हमारा साथ दिया, इनको शुक्र गुजार हैं। टीम सरे हम लिल्ला के जांबाज आए हैं, और उसके अलावा हेल्प डेस्क रजिस्टर के जेर एहतमाम ये काम किया गया है। और आपको बताते चले कि यहाँ पे तकरीबन 90% लोग बेहतियाती कर रहे थे। अभी एक भाई आए, मास्क दे रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार कीजिए, मास्क पहने, खुद भी बचें और दूसरों को भी कोरोना वायरस से बचाएं। अल्लाह हाफिज़।